अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए कितने लोग करते हैं आप लोग? अनुलोम विलोम जानते हैं? बहुत कम। ये तो हम देखने से भी मुझे लगा था कि ये लोग अनुलोम विलोम आर्चा योग करती हैं, क्योंकि सामने बैठी हुई हैं और कर रही थी तो मुझे लगा कि ये लोग जानकार है। तो अनुलोम विलोम करना है कैसे? सबसे पहले वायु मुद्रा लगाना, देख लीजिए ये बेसिक है आप लोग का, हाथ को इस प्रकार से लगाना तो गैस की समस्या भी जो होगी आपकी वो खत्म हो जाएगी, गैस एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाएगी। ये तर्जनी उंगली को अंगूठे के नीचे दबा देंगे इस प्रकार से, और हाथों को इसलिए मैं रखवाया इस प्रकार से कि ताकि आप दाहिने नासिका को दबा सकिए और बाईं नासिका के लिए मध्यमा और अनामिका उंगली से बाईं नासिका को दबा पाइए, ठीक है? ये आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें? तो बाईं नासिका से पहले लंबा गहरा श्वास खींचना, कम से कम 2.5 से 5 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, फेफड़ा पूरी फूल जाना चाहिए, और बिना श्वासों को रोके हुए दाहिनी नासिका से श्वासों को बाहर निकाल देंगे, और बिना श्वासों को रोके हुए दाहिनी नासिका से पूरा श्वास अंदर भरेंगे और बाईं नासिका से निकाल देंगे। बात समझे? कितने लोग समझ गए? समझ गए सभी लोग? तो अनुलोम विलोम प्राणायाम इसे कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे आप लोग। कैसे करेंगे? 2-4 बार कर लीजिए कम से कम। ला रहे हैं आप लोग को, मेरुदंड को सीधा करके बैठिए, टेढ़ा नहीं बैठिएगा, जब भी बैठिएगा तो सीधा बैठिएगा, ऐसे करके बैठिएगा। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम था। कौन सा प्राणायाम था बताइए सभी लोग? कल से आप पक्का कॉपी और पेंसिल लेके आने वाले हैं, नाम लिखेंगे जो मैं बता रहा हूं आप लोग को, उस पर ध्यान देंगे और जो अच्छा लगे उसे नोट करेंगे ताकि दूसरे लोगों को भी आप बता सकिएगा, ठीक है ना? तो ये अनुलोम विलोम था। इसके बाद हम भ्रामरी करेंगे, सब एक एक बार ही आप लोग को करके दिखाएंगे कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। तो क्या करेंगे? कानों को बंद कर देंगे। पहले मत बंद कीजिए, पहले सुन लीजिएगा मेरी बात को, ठीक है? पहले बंद कर दीजिएगा तो मेरी बात को सुनिएगा नहीं, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे? अंगूठे से कान को बंद कर देंगे और ये जो नासिका के मध्य में यहाँ पे हल्का सा दबाव डालेंगे इस उंगली से, ऐसा ऐसे करके दबाना नहीं है, कस करके आंख को हल्का सा ढकेंगे से, और दो उंगली जो आपकी तर्जनी उंगली है ये आज्ञा चक्र के पास होगा मेडिटेशन के लिए। यहाँ एक प्रकाश पुंज को देखने का प्रयत्न करेंगे, ओमकार को देखने का प्रयत्न करेंगे कि एक प्रकाश पुंज है, वहाँ प्रकाश है अवलोकित हो रही है। तो इस प्रकार से करेंगे, तो अंगूठे को बंद कर देंगे, मुंह को बंद कर देंगे और ओम का उच्चारण नासिका के द्वारा करेंगे। तो एक वाइब्रेशन होगा, कर्कश आवाज नहीं होना चाहिए, मधुर आवाज होना चाहिए, ओमकार के नाद में करेंगे। तो ये उससे क्या होगा कि सिर से जुड़ी हुई समस्त समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। तो ऐसा कर लेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम करवाए, देखे होंगे जो लोग अच्छा से किए होंगे उनका सिर में ऐसे ऐसे बबलिंग हुआ था, वाइब्रेशन होगा, इससे पिनियल ग्रंथि पुरुष जागृत हो जाती है। आपका याददाश्त या डिप्रेशन में जो लोग जा रहे हैं या असाध्य रोग से पीड़ित हैं उन लोगों के लिए यह बहुत ज्यादा अच्छा प्राणायाम माना जाता है, इसे भ्रामरी प्राणायाम इसे कहते हैं, ठीक है? इसके बाद करते हैं उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम आप लोग को पहले ही करवाया था, जो ओम का उच्चारण आप लोगों ने किया था उसे बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम। आंखें बंद रखती है, जितने भी प्राणायाम आप करते हो उसमें एकाग्रता के लिए आपको आंख बंद करनी होती है और उन श्वासों के ऊपर में आपको ध्यान को टिकाना होता होगा। तो जो ऐसा ऐसा करते हैं तो उद्गीत कर लेंगे, थोड़ा सा 2-3 बार कर लेंगे आज, ठीक है?
आंखों को बंद ही रखिएगा आप लोग, और हम करेंगे प्रणव प्रणायाम। ध्यान के गहराई में जाना है, आपकी पूरी एकाग्रता उन श्वासों के ऊपर में होगी जो श्वास आप भर रहे हैं, लेकिन 15 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा फेफड़े में श्वास को भरने के लिए, और 15 से 20 सेकंड श्वास को छोड़ने में लगेगा। इसे बोलते हैं प्रणव प्रणायाम या ध्यान मुद्रा। तो वैसा करेंगे, बिल्कुल मौन होकर के करेंगे, और अपने श्वासों को जो प्राण वायु ले रहे हैं जिसके वजह से मैं जिंदा हूँ निरोग हूँ, तो उसके तरफ आपका पूरा ध्यान आपके श्वासों के ऊपर में होगा। थोड़ा सा करने का प्रयास कीजिएगा। मेडिटेशन के लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा होता है, असाध्य रोगों में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर माना जाता है ये प्रणव प्राणायाम, या जो लोग कुंडली जागरण के लिए करते हैं वो लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए ये प्रणव प्राणायाम करते हैं, तो कुंडली जागरण करने वाले के लिए ये ज़्यादा विशेष लाभकारी प्राणायाम होता है। और ये हम यहाँ पे आपका प्राणायाम समाप्त करने वाला हो, दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, आंखों पे लगाएंगे जब उंगलियां गर्म हो जाए तो, और हथेली के नीचे आंखों को खोलेंगे, चेहरे पे हाथ घुमाएंगे, हे प्रभु आपके कृपा से मैं स्वस्थ हूँ निरोग हूँ, सारी अच्छाइयों का वास मेरे अंदर है, सारे दुर्गुणों का नाश हो गया है, अपने माता पिता गुरुजन को दिल से नमन और प्रणाम करेंगे। इस तरह से आप लोग को नियमित करने वाले प्राणायाम के बारे में बताया, मुझे मौका मिलेगा तो और भी प्राणायाम से जो जुड़े हुए हैं कान से जुड़े हुए तो वो सब बताएंगे आप लोग को बाद में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सकें। धन्यवाद। ओम।